दोस्तों जय गौ माता जय गोपाला। आप सभी को एक काफ़ी समय पहले एक न्यूज़ मेरे चैनल के माध्यम से मैंने दिखाई थी, जिसमें कि मेसा सीसर गौ भक्त बेझिझक और बड़े ही निडर तरीके से गौ माताओं की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। और उसी के दौरान एक इन्होंने बीड़ा उठाया था गौशाला को लेकर कि मैं अपने पैसों से एक गौशाला बहुत जल्द खोलना चाहता हूँ। गौओं की जो सेवा है, पीड़ित गौओं की सेवा तो करता ही हूँ, उसके साथ साथ गौओं को एक ऐसा स्थान बना सकूँ जिस पे सारी की सारी गौएँ जो आवारा घूमती है उन गौओं को मैं लाकर, जो दूध भी नहीं देती उन गौओं को भी मैं गौशाला में लाकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। एक कदम इन्होंने, इनकी मेहनत रंग लाई है। हमारे साथ जो है विधायक बलराज कुंडू जी, उनके बड़े भाई आचार्य योगेंद्र जी और जगदीश मलिक जी रोहतक से, और SHO प्रहलाद जी हमारे बीच है। आचार्य जी, सबसे पहले तो जय गौ माता। जय गौ माता की। आचार्य जी, जिस तरीके से मेसा जी गौओं की सेवा में, पीड़ित गौओं की सेवा तो करते ही है, साथ साथ निर्णय लिया था कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं मैं अपने पैसों से एक ज़मीन खरीदूँगा और गौशाला तैयार करूँगा, आज वो कदम जो बढ़ाया था वो रंग लाया आप लोगों का साथ, और मेसा ने वो कर दिखाया जो इस उम्र में करना। और आज की जहाँ युवा जो है एक और तो नशे की ओर जा रहे हैं, लेकिन मेसा उन्हीं युवाओं में से निकल कर गौशाला बनाने के लिए जो आज हवन भी किया और नींव रखी है, क्या कुछ आप इस मेसा के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखिए, मैं तो एक गौ माता का छोटा सा सेवक हूँ और गौ रक्षा दल जो आप नाम सुनते उसको चलाते हैं पूरे हरियाणा में, और सबके सहयोग से चलाते हैं। ये अहंकार हमें बिल्कुल भी नहीं है कि भाई हम चलाते हैं। और जो मेसा सीसर है वो हमारा जिला प्रधान है गोरक्षा दल का। और इस विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे युवाओं को संभालने के जिम्मेदारी राजा की होती है, नेता की होती है, जो उस इलाके का राजा होता है। तो वो राजा यदि श्रेष्ठ है, यथा राजा तथा प्रजा, राजा यदि अच्छा है तो निश्चित रूप से प्रजा अच्छी होगी, और या राजा गलत है तो प्रजा भी गलत हो जाएगी। तो हमारे इस एरिया का जो इलाके का जो राजा है, जो MLA है बलराज कुंडू जी, उन्होंने इसमें हमारा बड़ा सहयोग किया है। इस गौशाला की आज नीम रखी है, और इस नीम में उन्होंने कहा 1,11,000 रुपये, उनके भाई आदरणीय आज़ाद जी आए हैं, वो किसी कारण से बाहर चले गए, तो इसमें हवन किया उन्होंने। और बड़ी बात इसमें ये है कि ऐसे नेता यदि तैयार हो जाएं, जो ये संकल्प लें कि भाई मेरे इलाके में गऊ और बहू दुखी ना मिले। विशेषता आप देखिए, राजा की मैं विशेषता बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जिस राजा को ये पीड़ा हो जाए कि गऊ और बहू नहीं दुखी होनी चाहिए, गाय से मतलब जो बेसारा गोवंश घूम रही, बहू से हमारी बहन बेटियाँ हैं, तो मैं इनका बड़ा अच्छा विशेष धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे राजा जो कहीं गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो शाम तक उसके घर पहुँच जाते हैं। और आप पुराने काल में जाओगे, वैदिक युग में जाओगे, तो राजा भेष बदल कर प्रजा में घूमते थे कि कोई प्रजा का व्यक्ति दुखी तो नहीं है, देखते थे। तो वही गुण इनमें हमने आज देखा है, आदरणीय बलराज जी के, कुंडू जी के परिवार में आदरणीय उनके भाई आज़ाद सिंह जी आए हमारे पास और इस गौशाला में सहयोग दिया है, और आदरणीय मेसा जी रमेश जी ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। तो हमारे गौशाला संघ जो है, आदरणीय जगदीश मलिक जी, ये सब लोग मिलकर के गौ भक्त हैं, सारंग जी हैं, सारे हमारे आदरणीय गांव के सरपंच हैं, और आदरणीय SHO साहब इस इलाके के मैम के हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने एक और बड़ी डिमांड हमारे बीच में रख दी कि इस इलाके से हम गाय की रक्षा नहीं, नशे से युवाओं की रक्षा भी करेंगे, नशा बिल्कुल बंद करेंगे, हमारा सहयोग मांगा है। तो मैं SHO साहब का इस कार्य के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आदमी की बुद्धि यदि ठीक हो जाती है तो निश्चित रूप से फिर आदमी ठीक है तो ना तो गाय कटेगी, ना गाय बेसहारा रहेगी, ना बहू को तकलीफ होगी, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगी। तो नशा भी एक समाज को सुधारने में बड़ा कारण है। तो मैं आदरणीय हमारे महम SHO का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। आचार्य जी, एक बात और पूछना चाहूँगा,
अब देखते हो गांव-गांव में गौशाला तो बहुत सारी खुली है, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से गौ भक्त पहले हुआ करते थे, वो परिवार से भी वो संस्कार नहीं मिल पा रहे। क्या कारण है कि गौओं की वो सेवा ही नहीं हो पा रही, और गौशाला के अंदर दान भी लोग उस तरीके से नहीं दे रहे। तो वही बात, जैसे कि चारे की कमी आना और भी बहुत सारी कमी आती है। अब मेहसा जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, गौशाला का जो आज नींव तो रखी गई है यहाँ पे, आगे का किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे खर्चे भी होने हैं, उनको लेकर किस तरीके से मेहसा को आप साथ देने वाले हो? किस देखिए, जो मरने से ना डरे वो जी चाहे सो करे, जो धर्म पे चलेगा वो कुछ भी कर सकता है, और जो अधर्म पे चलेगा, जिन गौशालाओं में या जहाँ भी कोई धर्म के कार्य में आपको गतिरोध दिखाई देता है, वहाँ सच्ची निष्ठा नहीं है, वो व्यक्ति धर्म पे नहीं है। जो व्यक्ति धर्म पे है वो कभी कार्य रुकता नहीं है। तो मेहसा जी ने आश्वासन देने की जरूरत नहीं है, गाय माता में इतनी शक्ति है, उसकी सेवा में इतनी शक्ति है कि कार्य रुकेगा नहीं। तो इसलिए हमारी कोई ताकत नहीं है, गौ माता की ताकत है और सच्चे कर्मों की ताकत है। ये सच्चे कर्मों पर यदि खड़े रहेंगे तो ये रुकने वाले नहीं है, और ये संस्था एक बड़ा रूप दान करेगी। और इस इलाके में जो आदरणीय सरपंच साहब ने जो सहयोग की है, तो हम गांव-गांव में ये प्रयास कर रहे हैं कि भी जो गांव-गांव में अपने को गायें घूमती दिखाई दे रही है, तो हर गांव में एक छोटी सी गौशाला खुल जाए। ये तो भीड़ और जो अव्यवस्था तब होती है कि 20 गांव की गायें इकट्ठी करके एक ही गाँव में छोड़े गौशाला में, तो भीड़ होगी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हर गाँव में गोचर भूमि है, हम गाँव-गाँव में ये प्रयास कर रहे हैं। आचार्य जी, एक अंतिम सवाल आपसे। जिस तरीके से मेवात के हम अंदर हम देखते हैं, लगातार गऊ की हत्या हो रही है, गऊ को काटा जाता है, अब ईद भी आ रही है, आपने भी बताया लाखों की संख्या में जो है गऊएं कटती है, उनको लेके आप लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई है कि गऊ की हत्या को किसी ना किसी तरह से रोका जाए। युवा जो है उसको रोकने के लिए बढ़ चढ़ कर अपना योगदान भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं केस उन लोगों के ऊपर, पुलिस प्रशासन का दबाव, गौओं की सेवाएं भी करते हैं, हत्याएं भी रोकने का प्रयास करते हैं, उसके बावजूद जो है इन लोगों को, गौ भक्तों को जो है गुंडे तक का जो है नाम दिया जाता है, क्या कुछ इस बारे में कहना चाहोगे? और सरकार से कोई ठोस कानून बनाने के लिए, ताकि गौ भक्तों की रक्षा भी हो सके और गौएं जो लगातार दिन प्रतिदिन कट रही है उनको भी रोका जा सके। देखिए, मैं सबसे पहले तो ना YPB आपका न्यूज़ चैनल है, आपका धन्यवाद करता हूँ इस कार्य के लिए कि कुछ ही चैनल है जो गाय की बात उठाते हैं। तो जो मेवात की बात आपने रखी है, मेवात में लंबे अरसे से कार्य होता रहा है, और हमने मिशन मेवात के नाम से कार्य शुरू किया था 1.5 साल पहले। वैसे मैं 20 साल से मेवात में लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन 1.5 साल से हमने विचार किया कि अब आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे और गाय नहीं कटने देंगे। तो उसमें हम सरकार से भी मिले, तो पीछे भी जितनी सरकारें रही उन सरकारों ने भी सहयोग किया, परंतु अब जो वर्तमान में सरकार है, हमने पूरा जोर शोर से प्रयास किया। तो मैं वर्तमान की स्थिति आपको रखना चाहता हूँ, अब सरकार हमारा पूर्ण सहयोग कर रही है, और इस बात के लिए मैं, यदि ऐसे ही सहयोग करती रही तो आने वाले चंद दिनों में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में ही हम मेवात से बिल्कुल जड़ से गो हत्या ख़त्म कर देंगे, और यदि इसी तरह सहयोग मिलता रहा। और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो अब कार्य हुआ 100 वर्षों में भी नहीं हुआ था, तो हम इस कार्य को अब संकल्प के साथ लगे हुए हैं, और पूरे हरियाणा की जनता को भी और सरकार को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारा सहयोग किया है अब, तो निश्चित रूप से हरियाणा के माथे पर जो एक कलंक लगा हुआ गो हत्या का, ये मिट जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आचार्य जी, पूरे हरियाणा जो गोरक्षा दल के अध्यक्ष और संस्थापक। अब हमारे साथ जो है विधायक बलराज गुंडू जी के बड़े भाई हैं। आप जानती हूँ, लगातार समाज सेवा की अगर बात आती है तो विधायक जी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। उसी कड़ी में आज विधायक जी के बड़े भाई यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने भी यहाँ अपना जो भी राशि दी है उसके बारे में वो खुद बताएंगे। जिस तरीके से हम विधायक जी को देखते हैं, जहाँ भी समाज हित की बात आती है हर जगह अपना बढ़ चढ़ कर जो है योगदान देते हैं, आज उसी कड़ी में गौशाला के अंदर जो है अपना योगदान देने के लिए, कल ही उन्होंने जो राशि है मेहसा जी के पास पहुँचाने की घोषणा कर दी थी, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, आप यहाँ पहुँचे, आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने गौ माता का जो बचाने का बीड़ा उठा रखा है, जो सजग करने का, समाज को ऊपर उठाने का जो बीड़ा ले रखा है, उसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ, जैसे हमारे भाई, छोटे भाई हैं बलराज कुंडू, इन्होंने बीड़ा उठा रखा है बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए और गौओं के लिए। जो हर समाज का व्यक्ति अगर ये सोच विचार करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो हमारा समाज और भी अच्छा बनेगा।
पवित्र बनेगा, पवित्रता से ही समाज बनता है। अगर हम बीच दिल में दर्द रखें और ऊपर से पवित्रता दिखाएं, ये काम नहीं चलता। हमेशा दिल से पवित्रता होती है और हमारे भाई के अंदर पवित्रता दिल से है। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम, जय गो माता की। देखो, मैं गोरक्षा दल का जिला अध्यक्ष हूँ रोहतक से। तो ये हमारे आचार्य जी आए हुए हैं, हमारे गांव के सरपंच जी और एमएलए साहब के बड़े भाई और आदरणीय हमारे एसएचओ साहब, जो हमारे साथ पीछे न दिन रात खड़े रहते हैं। तो हमें कोई भी काम बेझिझक करते हैं, जो भी काम मन में ठा लेते हैं, हमें पता है हमारे पीछे हैं ये, हमें देखने वाले, संभालने वाले, कदम कदम पे हमें प्रेरित करने वाले हैं। तो ये भी मेरे कई दिन से मन में थी कि हमारे महम का भी कोई ऐसा छोटा सा उपचार केंद्र हो, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गौओं की सेवा हो सके। और इस उपचार केंद्र के साथ साथ है ना, हम ये यहाँ पर नस्ल संवर्धन पर भी काम करेंगे। जो हमारी गौ माता है वो 5 किलो दूध देती है, 8 किलो देती है, दूध पीते हैं हमारे जमींदार भी हैं और भी हैं, वो छोड़ देते हैं। तो हमारा एक प्रयास है, वो काफ़ी दिन से चल रहा है, हमारी जो हरियाणा की देसी गौ माता है ना, इसको भी हम कम से कम 20 लीटर तक ले जाकर छोड़ेंगे। अगर गौ माता, हमारी देसी गौ माता 20 लीटर दूध देगी तो वो कोई भी उसे सड़कों पर नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से हमने पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया था, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई थी। और गौशाला और यहाँ की गौशाला में क्या कुछ अलग रहने वाला, किस तरीके से यहाँ पे जैसे आप बता रहे थे उपचार के साथ साथ कुछ अलग करने वाले, क्या कुछ इस गौशाला के अंदर आप अलग करने जा रहे हैं? ये यहाँ पे देखो, अब जो गौ माता है वो ये बोलते हैं दूध से दूध देना बंद कर दिया तो ये किसी काम की नहीं, वो बहुत ज़्यादा काम की है। गोबर, गौमूत्र, ये भी हमारे बहुत प्रयोग में आते हैं, पंच गौ है। तो हम इसको, इस गौशाला को ना एक स्वावलंबी की तरफ भी ले जाने की सोच रहे हैं, कि दान चंदे की तरफ कम ध्यान दे के यहाँ पे गोबर गौमूत्र से प्रोडक्ट बनाया जाए और उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हीं से गौ माता का पेट पूजन हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जिस गौशाला की आज नींव रखी रहे हैं, आप लोगों का भी साथ बना रहे, जिससे कि जो कदम इन्होंने बढ़ाया है, तरक्की करते रहे लगातार, जिससे कि ये गौशाला सुचारू रूप से चलते रहे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस तरीके की जितनी भी खबरें होगी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।